चैट जीपीटी ने अपना सर्च इंजन लॉन्च कर दिया है और ये सर्च इंजन चैट जीपीटी के अंदर ही रहता है। ये सर्च रिजल्ट दिखाता है, मैप वाले रिजल्ट दिखाता है और सोर्सेज के लिंक्स भी दिखा देता है। चलिए आज आपके कीमती वक्त में से कुछ मिनट्स निकाल के चैट जीपीटी के इस सर्च इंजन को समझते हैं और इसके प्लस माइनस दोनों साइड्स को देखते हैं, बिकॉज सनसनी फैलाने वाले वीडियोस आप अभी तक देख चुके होंगे। छाती पीटना, हाय तौवा मचाना, ये सब कुछ हो चुका है। किड्स आर आउट, लेट्स डिस्कस दिस एज इट इज। हेलो एवरीवन, मैं अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो में हम चैट जीपीटी के सर्च इंजन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। OpenAI ने जिस दिन से चैट जीपीटी को लॉन्च किया था उसके एक घंटे बाद से ही इन्फ्लुएंसर्स ने चैट जीपीटी को गूगल से कंपेयर करना शुरू कर दिया था। ये एक्चुअली में इन्फ्लुएंसर्स ही हैं। इन्फ्लुएंसर्स कुछ वैल्यू इंक्रीज करते हैं, कुछ इनपुट वैल्यू देते हैं, ये कुछ भी नहीं लाते हैं। 25 जुलाई 2024 को OpenAI ने सर्च जीपीटी नाम के एक प्रोटोटाइप को अनाउंस किया और कुछ लोगों को इसका इनविटेशन बेस्ड एक्सेस भी दिया। लोगों ने इसे ट्राई किया और ट्राई करने के बाद अपने व्यूज शेयर किए, सभी को ये यूजफुल सा लगा। लेकिन टाइम के साथ इस प्रोटोटाइप का एक्सेस और लोगों के साथ में शेयर नहीं किया गया, इसे इंक्रीज नहीं किया गया। और मैंने अपने इस वीडियो में इस बात का पॉइंट नोट किया था कि शायद इसे अलग से प्रोडक्ट की तरह लॉन्च नहीं किया जाएगा और इसके फीचर्स को चैट जीपीटी के अंदर ही लॉन्च कर दिया जाएगा। फास्ट फॉरवर्ड टू 31 अक्टूबर 2024, चैट जीपीटी ने अनाउंस किया कि चैट जीपीटी प्लस यूजर्स के लिए चैट जीपीटी के अंदर सर्च फीचर लाइव हैं। नो वेटलिस्ट, नो रोल आउट, सीधे एक्सेस ओपन है। ऑल्सो अगर आप चैट जीपीटी प्लस यूजर्स नहीं हैं तो उदास होने की जरूरत नहीं है मेरे पुकीज। फ्री यूजर्स के लिए भी ये सर्च फीचर आने वाला है कुछ महीनों में। पूकी बोल सकता हूं तो फ्रीलोडर भी बोल सकता हूं, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी के सर्च इंजन को यूज करने के दो तरीके हैं। नंबर एक, आप चैट जीपीटी के टाइपिंग वाले एरिया में जो ग्लोब बटन है इसको दबाकर जो भी पूछेंगे उसका आंसर चैट जीपीटी के सर्च से आएगा। और नंबर दो, अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर ऑनलाइन सर्च से ही मिल सकता है, इंटरनेट से ही मिल सकता है, तो चैट जीपीटी अपने आप सर्च मोड पर शिफ्ट कर लेता है और ऑनलाइन रिसोर्सेज से आंसर ढूंढकर लाता है। मैंने वर्ड यूज किया है सर्च मोड, बिकॉज क्लियरली चैट जीपीटी में इस वक्त एक साथ दो इंजन रन कर रहे हैं, डबल इंजन है, लेकिन ये दोनों एक साथ काम नहीं करते। इनके बीच में एक सिस्टम है जो ये डिसाइड करता है कि कब LLM वाला पार्ट यूज होगा और कब सर्च वाला यूज होगा। इनफैक्ट कुछ टेस्ट में हमने देखा है कि चैट जीपीटी LLM से सर्च मोड में तो आराम से जंप कर लेता है, लेकिन फिर वापस LLM मोड में आने में स्ट्रगल करता है। Blink twice. At least humor setting chat GPT की highest पर set है और सही काम कर रही है। I think chat GPT का ये जो जिंदा दिली वाला nature है ना, ये इसे ज़्यादा popular बनाता है। Bard या फिर Gemini जो भी आप नाम दें, गुस्सेल फूफा जैसा ज़्यादा behave करता है। Chat GPT का search function वैसे chat GPT के answers की quality को भी बढ़ा देता है। एक बेहद सिंपल लेकिन थोड़ी सी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी के लिए आप देख सकते हैं कि जहाँ चैट जीपीटी का जो ट्रेडिशनल LLM वाला आंसर है वो सही लगता तो है लेकिन सही है नहीं, टेक्निकली सही नहीं है। ऐसे सिचुएशन में जब हम चैट जीपीटी का जो सर्च मोड ऑन करते हैं तो आंसर की क्वालिटी अचानक से बहुत बढ़ जाती है। सो चैट जीपीटी का ये सर्च इंजन काम करता है, लेकिन आखिर चैट जीपीटी ने ये नया सर्च इंजन बना कब लिया? वेल, सर्च इंजन्स के चार पार्ट होते हैं। नंबर एक, डिस्कवरी, यानी कि नए URLs का पता चलना, जिन URLs को आप इंडेक्स करने वाले हैं, जिन्हें आप रैंक करेंगे उनके बारे में कोई आपको बताए भी तो। नंबर दो, क्रॉलिंग, यानी कि उन URLs पर जो पेजेस हैं उनको जाकर देखना, उनको रेंडर करना। नंबर तीन, इंडेक्सिंग, यानी कि जिन URLs को, जिन पेजेस को आपके सर्च इंजन ने जाकर देखा है, विजिट किया है, उनकी एक कॉपी अपने पास सेव करना ताकि आप बाद में यूजर को सर्च रिजल्ट्स में प्रोवाइड कर सके। और नंबर चार, रैंकिंग, यानी कि इंडेक्सिंग स्टेज पर आपने जिन URLs की कॉपी को अपने पास सेव किया है उन्हें यूजर के सर्च करने पर रिजल्ट्स पेज पर दिखाना, रैंक करके प्रॉपरली यूज के साथ में। नाउ देखते हैं कि चैट जीपीटी सर्च ये चार स्टेप कैसे कंप्लीट करता है। नंबर एक है डिस्कवरी। चैट जीपीटी को डिस्कवरी की चिंता बिल्कुल नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट बिंग उसे URLs को डिस्कवर करके दे सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के पास अपना खुद का इंडेक्स नाउ नाम का सिस्टम भी है जिसे करोड़ों वेबसाइट्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो डिस्कवरी उनकी प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉलिंग के लिए ओपन AI अपना खुद का एक OAI सर्च बॉट यूज कर रहा है। इसके अलावा वो माइक्रोसॉफ्ट के क्रॉलिंग सिस्टम की भी मदद ले ही सकता है, ऑलवेज, वहां पर कोई रोकने वाला है नहीं। इंडेक्सिंग पार्ट के लिए चैट जीपीटी को हेल्प की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने 21 जून 2024 को रॉकसेट नाम की कंपनी को खरीद लिया इसे सॉल्व करने के लिए। रॉकसेट नाम की कंपनी जो है वो एक 6 साल पुरानी कंपनी थी,
या है जो रियल टाइम डेटाबेस इंडेक्सिंग और क्वेरिंग में एक्सपर्ट है। किसी भी सर्च इंजन के लिए वेबसाइट्स को क्रॉल करना एक बड़ा टास्क होता है, लेकिन उसे ज्यादा से ज्यादा सर्वर खरीद कर फिर भी मैनेज किया जा सकता है। लेकिन उन सारे पेजेस को विजिट करके उन्हें इंडेक्स करना, उनकी एक एक कॉपी सेव करके रखना, यह अपने आप में बेहद मुश्किल टास्क होता है। और ओपन एआई ने इस मुश्किल स्टेप को सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करने की जगह एक कंपनी को उसकी टेक्नोलॉजी के साथ में खरीद लिया। टिपिकली जब किसी सिस्टम में इंडेक्स बनाया जाता है तो लाइक एक सर्वर होता है जहां पर फाइल्स की कॉपी को राइट किया जाता है, यानी कि सेव किया जाता है, और उसी टाइम जब यूजर सर्च करते हैं तो उसी सर्वर से डेटा को रीड भी किया जाता है। सो अगर किसी एक सर्वर पर बहुत सारी वेबसाइट्स की कॉपी बनाई जा रही हैं, राइट की जा रही हैं, तो सर्च यूजर्स को आंसर्स लेट मिलेंगे, यानी कि रीडिंग स्पीड इफेक्ट होगी। और अगर बहुत सारे सर्च यूजर्स आंसर्स ले रहे हैं, यानी कि रीड ज्यादा हो रहा है, तो सर्वर पर वेबसाइट्स की कॉपी सेव नहीं की जा सकती, यानी कि राइटिंग इफेक्ट होगी। ऐसे सोच लीजिए कि मेट्रो स्टेशन है राजीव चौक, जहां पर एक मेट्रो खड़ी है। अगर ट्रेन में ज्यादा लोग जल्दी जल्दी चढ़ेंगे तो उतरने वालों को जगह नहीं मिलेगी, और अगर लोग जल्दी उतरेंगे तो चढ़ने वालों को जगह नहीं मिलेगी। बट रॉकसेट का अपना रॉक डीबी नाम का सिस्टम है जो रियल टाइम में डेटा राइट करने और रीड करने दोनों की फैसिलिटी ज्यादा स्मूथ तरीके से देता है। सर्विस फास्ट हो जाती है, कॉस्ट नहीं बढ़ती है। सो अगले कुछ महीनों में रॉकसेट की टीम इसी प्रॉब्लम को ओपन एआई के लिए सॉल्व करेगी, ताकि फ्री यूजर्स को भी ये सर्च फीचर जल्दी से जल्दी दिया जा सके। सैम ऑल्टमैन ने बढ़िया दांव खेला है। लास्ट पार्ट आता है रैंकिंग, जिसके लिए चैट जीपीटी कंप्लीटली अपने एलएलएम पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि 2-4 सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेकर इस इंफॉर्मेशन को एक आंसर की शक्ल में बना दिया जाता है। सर्च जीपीटी प्रोटोटाइप में ये जो सोर्सेज की लिस्ट होती थी ये लेफ्ट हैंड साइड में होती थी, अब ये राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है। सो सर्च जीपीटी की टेक्नोलॉजी आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं क्वालिटी के ऊपर। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि चैट जीपीटी 2 स्टेप्स में माइक्रोसॉफ्ट को यूज कर रहा है, इसीलिए उनके आंसर्स भी माइक्रोसॉफ्ट बिंग से काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन फिर भी अलग है। सेम है बट डिफरेंट है। यानी कि जब आप लोकल सर्च करते हैं लाइक डॉक्टर नियर मी, प्लम्बर नियर मी, मूवर्स एंड पैकर्स नियर मी, तो जो रिजल्ट्स आते हैं वो एकदम माइक्रोसॉफ्ट बिंग की लिस्ट से मैच करते हैं, लेकिन फिर भी गूगल की लिस्टिंग को लिंक करते हैं। यानी कि जो आपको लिस्ट दिखाई देती है वो माइक्रोसॉफ्ट बिंग जैसी दिखाई देती है, लेकिन अगर आप इन पर क्लिक करें, इन लिंक्स पर क्लिक करें, तो आप गूगल माई बिजनेस वाली लिस्टिंग पर पहुंच जाते हैं। अब ये कैसा घालमेल है बीच में, वो मुझे नहीं समझ में आया। नॉर्मल वेब सर्च में भी बिंग के सर्च रिजल्ट्स की झलक दिखाई देती है, जो कि अपने आप में अच्छी चीज नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट बिंग के सर्च रिजल्ट्स की क्वालिटी अगर अच्छी होती तो उन्होंने गूगल को बीट कर दिया होता। ऑब्वियसली उनकी क्वालिटी खराब है। अगर आप गूगल से भी बहुत ज्यादा चिड़े हुए हैं तो आप बिंग को थोड़े बहुत दिनों के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने प्रैक्टिकल के तौर पर भी बिंग को यूज किया है उन्हें मालूम है बिंग के रिजल्ट्स की क्वालिटी कैसी होती है लॉन्ग टर्म में। नाउ ऑब्वियसली किसी भी सर्च इंजन को तुरंत ही गूगल के साथ में कंपेयर नहीं किया जा सकता है, लेकिन चैट जीपीटी अपने आप में ट्रेडिशनल कंपनी है भी नहीं। अगर ट्रेडिशनल कंपनी होती तो इसके सर्च इंजन की हम बात कर भी नहीं रहे होते। एचरफ्स कंपनी ने अपना येप नाम का सर्च इंजन लॉन्च किया था काफी पहले। आज वो किस कंडीशन में है, क्या उसके फीचर है, उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। जबकि एचरफ्स कंपनी हर एसईओ यूज कर रहा है, हर एसईओ जानता है, लेकिन एसईओ खुद ही नहीं यूज कर रहे हैं, तो उन एसईओ के क्लाइंट्स कैसे यूज करेंगे और क्लाइंट्स के क्लाइंट्स कैसे यूज करेंगे, येप का भी कोई अता पता नहीं है। ओपन एआई जानबूझकर खुद को गूगल के सामने पिट करता है। जब भी गूगल का कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है तभी वो अपना अनाउंसमेंट करते हैं, ताकि मीडिया की लाइमलाइट उन्हें मिल सके। इनफैक्ट जिस दिन चैट जीपीटी ने अपना सर्च इंजन अनाउंस किया है उससे ठीक थोड़ी देर पहले गूगल ने अपने जेमिनी एपीआई प्लेग्राउंड के अंदर सर्च की ग्राउंडिंग को अनाउंस किया था, जो चैट जीपीटी जैसा ही फंक्शन है। बेसिकली अब आप जेमिनी एपीआई के साथ में गूगल सर्च को कंबाइन करके यूज कर सकते हैं, जो अपने आप में बहुत पावरफुल रिजल्ट देता है। जो उनके आंसर्स की क्वालिटी है और जेमिनी एपीआई की, जेमिनी एलएलएम की, वो ऑन पार है चैट जीपीटी के आसपास ही है। और अगर आप उसके साथ में गूगल सर्च को मिला देते हैं तो क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। और इस एक अनाउंसमेंट को ज्यादा मीडिया कवरेज ना मिले इसलिए सैम ऑल्टमैन ने जल्दी-जल्दी चैट जीपीटी का ये अनाउंसमेंट भी कर दिया। नाउ या तो ये बात सही है या फिर गूगल को पता था कि चैट जीपीटी आज ही अनाउंस करने वाला है, इसीलिए उन्होंने उससे पहले ही अपना अनाउंसमेंट कर दिया। जो भी केस हो, चैट जीपीटी अपने आप को गूगल के सामने बार बार एज कंपेटिटर पिट कर रहा है। सो हमें भी कंपेयर करना पड़ेगा ताकि हमारे यूजर्स को, आप लोगों को, सही इन्फॉर्मेशन बिना ज्यादा मेहनत के मिल सके। सो ये था चैट जीपीटी सर्च का एक छोटा सा ओवरव्यू। आप लोग भी यूज करें और यूज करने के बाद हमें बताएं कि क्या चैट जीपीटी का जो ये सर्च इंजन है वो गूगल के बराबर रिजल्ट दे रहा है, क्या आगे आने वाले टाइम में नॉर्मल लोग इसे यूज करेंगे, उससे बेनिफिट लेंगे, वगैरह वगैरह। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और टिप, किसी ट्रिक, किसी न्यूज, किसी अनाउंसमेंट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम amittiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।